कश्मीर में मोदी सरकार द्वारा धारा 370 पर उठाए गए कदमों से पाकिस्तान की बौखलाहट कम नहीं हो रही। पाकिस्तान इसके बाद से लगातार भारत को परेशान के लिए कदम उठा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं भारतीय सेना का करारा जवाब देते हुए राजौरी सेक्टर में पाक सेना की एक चौकी को उड़ा दिया। सेना से सूत्रों का कहना है कि पाक की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किए जाने के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान भारतीय सेना ने राजौरी में पाक की एक चौकी उड़ा दी। हालांकि नौशेरा में आज सुबह पाक की फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को सुबह 6:30 बजे नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की और मोर्टर से गोले दागे, जिसका भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया। हालांकि इस घटना में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। शहीद हुए जवान लांस नायक संदीप थापा 35 साल के थे और पिछले 15 साल से नौकरी कर रहे थे। देहरादून के रहने वाले संदीप पाकिस्तानी गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सेना सीज फायर